हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो दोस्तों, गेमिंग लवर है, तो गेमिंग के लिए दोस्तों लेके आ चुका हूँ दोस्तों कोस्मो की ब्रांडिंग के साथ आने वाला TWS एयरबेड, जो फुल्ली दोस्तों गेमिंग TWS एयरबेड है। और एयरबेड के साथ साथ दोस्तों डिजाइन इस तरीके से बनाया गया, नॉर्मल एयरबेड होता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी डिजाइन भी अलग है, काफ़ी ज़्यादा टेक्चर वगैरह अलग है। तो इसी की A to Z अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, प्राइजिंग और फीचर वगैरह बताऊँगा, अरे बताऊँगा क्या इस प्राइज में आपको परचेज वगैरह करना चाहिए कि नहीं। चले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भी कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन को उसे इनेबल कर दीजिए ताकि ऐसी डिटेल वीडियो आती रहती है उसे अपने फ़ोन पे सबसे पहले फटाफट देख पाए। तो ए दोस्तों इसका बॉक्स पैकिंग, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोस्मो बट की ब्रांडिंग किया गया, यहाँ पे आपको H50 की ब्रांडिंग किया गया जो इसके लिए मॉडल नंबर है। इधर आपको कुछ मेन फीचर्स वगैरह डिटेलिंग वगैरह मेंशन किया गया, सामने आपको ईयरबड का इमेजेस है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अलग से लग रहा है। कोस्मो X50 की ब्रांडिंग यहाँ पर भी किया गया, यहाँ पर आपको डिटेलिंग फीचर्स वगैरह मैंसन किया गया। तो बॉक्स पैकिंग तो देखने में काफ़ी सिंपल से, कुछ खास बॉक्स पैकिंग वगैरह है नहीं। तो फटाफट बॉक्स पैकिंग ओपन करते फिर देखते बॉक्स पैकिंग के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ओपन करने के बाद बताने के लिए बहुत कुछ है। तो निकाल चुका हूँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे रखा मिल जाता है हैंडबैग के टाइप पे ईयरबड जिसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा USB टाइप सी केबल, दो साइज के ईयर प्लग कैप्स, यहाँ पे आपको इसके लिए यूजर मैनुअल, जहाँ पे आपको मेंशन किया गया रिमूव वॉल्यूम लिमिट, इसका दोस्तों क्या मतलब ये आगे मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद ये बेसिकली डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगा, दो यूजर मैनुअल वगैरह मिल जाएगा। इसमें दोस्तों यूजर मैनुअल में एक चीज़ खास दिया गया, जहाँ पे आपको मेंशन किया गया इसके लिए अगर आपको ईयरबड में नॉर्मल प्रॉब्लम्स वगैरह आता है तो उसका सॉल्यूशन वगैरह क्या है, तो इसमें मेंशन वगैरह किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, काफ़ी अच्छी बात है। ए दोस्तों हमारा गेमिंग TWS एयरबड, जिसकी सबसे पहले कलर एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो कलर तो देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ब्लैक है। यहाँ पे आपको वाइट सिल्वर कलर में ब्रांडिंग वगैरह किया गया, यहाँ पे आपको चीज़ें वगैरह मेंशन किया गया। ईयरबड की बात करो दोस्तों तो पूरा ब्लैक है, प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। फिनिशिंग की बात करो तो ऊपर का जो हिस्सा है ना ग्लॉसी है और ये पूरा पूरा मैट है, तो काफ़ी ज़्यादा देखने में से लग रहा है ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन वगैरह दिया गया। जहाँ पे आपको सबसे पहले बात करो तो इसके लिए फिजिकल बटन दिया गया, इसके लिए बैटरी वगैरह चेक करना उसके लिए फिजिकल बटन वगैरह दिया गया, उसके नीचे टाइप सी पोर्ट वगैरह दिया गया तो टाइप सी पोर्ट से चार्ज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों RGB लाइट है, इसके लिए घूमता नहीं है, ऐसी डिजाइन वगैरह बनाया गया, देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही लग रही है। ये इसके लिए हैंडबैग की तरह दिया गया, जैसे कैरी कर सकते हैं, इसको इधर भी करके हटाएंगे तो ईयरबड निकल जाएगा, इसको इधर भी करके निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे दोस्तों बेसिकली मैग्नेटिक बॉन्डिंग मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। तो इसकी बात करो दोस्तों तो इसमें भी दोस्तों सेम चीज़ इस्तेमाल किया, ग्लॉसी और ब्लैक का इसके लिए कॉम्बिनेशन है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही लग रही है। यहाँ पर आपको देख पा रहे हो मल्टी फंक्शनल टच बटन है, जिसमें इसके लिए RGB लाइट के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं इसमें आपको दो माइक मिल जाएगा, एक माइक यहाँ मिल जाएगा और एक माइक यहाँ मिल जाएगा, तो दो माइक इसमें मिल जाएगा। डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है, इसके लिए आपको टेक्सचर वगैरह दिया गया, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह अलग से रखा गया, इसके लिए LR की ब्रांडिंग किया गया। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको कोई भी शिकायत वगैरह नहीं मिले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है। ईयरबड की बात करूँ साइज करूँ तो नॉर्मल से साइज रखा गया, तो इसमें 12 mm का ड्राइवर दिया गया, तो उसके हिसाब से क्या ना थोड़ा बहुत पेन वगैरह आएगा, लेकिन डिजाइन इस तरीके से किया गया, अगर अपने हिसाब से ईयरबड लगा लगे तो उतना ज़्यादा पेन नहीं आने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत पेन वगैरह आएगा, उसका थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसकी बैटरी लाइफ की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपको केस की बैटरी की बात करूँ तो इसको फुल चार्ज करने में 2 घंटे के आसपास लगेगा, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, तो ये चीज़ आपको एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा एक बार। लेकिन फुल चार्ज कर लेंगे तो बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, ब्रांड का कहना है 40 आवर के आसपास मिल जाएगा, लेकिन मैंने जितना यूज़ किया 30 से 35 आवर के आसपास, अगर फुल साउंड पर सुनते हैं तो गाने वगैरह इसके लिए गेमिंग वगैरह करते तो मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से RGB लाइट के हिसाब से बैटरी लाइफ ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो BT 5.3 का दिया है, इसके लिए ज़्यादातर ईयरबड में BT 5.2 का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 का दिया है, लेकिन फास्ट पेरिंग का सपोर्ट नहीं है, लेकिन कनेक्ट कर लेंगे तो 10 मीटर का रेंज मिल जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कॉलिंग लीजिए, गाना सुनिए, गेमिंग खेलिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो बैटरी लाइफ के मामले में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली। और दोस्तों इसके लिए IPX5 सर्टिफाइड है, तो वाटर प्रूफ नहीं है, शॉर्ट प्रूफ है, थोड़ा बहुत पसीने वगैरह जाता तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पानी से बचा कर रखेंगे जितना ज़्यादा उतना ही आपके लिए सेफ वगैरह होगा। अब बात करो दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस को, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे बताऊँ दोस्तों कनेक्टिविटी वगैरह बैटरी लाइफ वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। इसके दोस्तों प्लस पॉइंट है कि बेसिकली RGB लाइट के साथ भी इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है। उसके बाद बात करो दोस्तों कॉलिंग का, तो यहाँ पर दोस्तों बताया तो गया 2 बेसिकली इस ईयरबड में माइक दिया गया, 2 इसके अंदर माइक है भी, इसकी कॉलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बेसिकली बताऊँ ना इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ब्रांड है बोट वगैरह, जिसकी ENX टेक्नोलॉजी के साथ डुअल माइक के साथ कॉलिंग वगैरह आता है, उससे इम्प्रूव
अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, नॉर्मल ईयरबड होते हैं ना, उससे थोड़ी बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों गाने की बात करूँ तो गाने सुनने के दोस्तों 12 MM के आसपास ड्राइवर वगैरह दिया गया है। इसके हिसाब से दोस्तों लाउडनेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन जैसे बताऊँ साउंड की क्वालिटी की, तो अगर प्राइस को देखते हो बताऊँ तो मेरे हिसाब से नॉट जस्टिफाइड है। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी मिलता बेस वगैरह भी उतनी अच्छी क्वालिटी वाली नहीं मिलती। हाई एंड बेस वगैरह मिल जाएगा लेकिन इसमें भी क्वालिटी वगैरह नहीं मिलेगी। अब बात करो दोस्तों मेन जो इसके लिए जिस चीज़ के लिए इस ईयरबड को बनाया गया है इसके लिए गेमिंग, तो गेमिंग में दोस्तों जिसके लिए लो लेटेंसी वगैरह की बात करो तो 40 MS का मिल जाता है। लाउडनेस वगैरह की बात करो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे बताऊँ अगर मैं प्राइस को देखते हो बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये चीज़ें बर्थ इट है। हाँ, डिज़ाइन वगैरह को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सही है, लेकिन प्राइस के ऊपर क्वालिटी वगैरह के बारे में जाएंगे तो 1200-1300 रुपये 1400 रुपये में इससे बहुत सारे अच्छे ईयरबड अवेलेबल है जो इसके लिए मिल जाएगा। गेमिंग के लिए बात करूँ तो गेमिंग में लो लेटेंसी भी उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। राइट लेफ्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे से नहीं आता। गेमिंग वगैरह किया था मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही लगा नहीं। अगर आप जैसे बताऊँ दोस्तों मैं अगर डिज़ाइन वही मैं बोलूँ, अगर आप डिज़ाइन को देखते हुए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए आप डिज़ाइन को देखते हुए ले सकते हैं कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप 1000-1200 रुपये के ईयरबड होते हैं ना उसके हिसाब से नहीं परचेस कर सकते। उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी मेरे हिसाब दोस्तों 200-300 रुपये कम होता, 1100 रुपये के आसपास होता तो मैं इसको फुल्ली रिकमेंड करता। लेकिन इस प्राइस पे मैं आपको रेकमेंड वगैरह नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको परचेज वगैरह करना चाहते हैं तो मुझसे भी इसके लिए हाफ प्राइस में 700 रुपये में परचेज वगैरह कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह दे रहा हूँ, वहाँ पे जाकर DM कीजिए, क्योंकि इसके लिए जितने प्राइस में आता है उसमें तो मैं सेल नहीं कर सकता, काफ़ी कम प्राइस में मुझसे परचेज वगैरह कर सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें मैं आपको रेकमेंड वगैरह नहीं करता था। चलिए फिर दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के रिलेटिव जो भी डिटेल्स वगैरह सब कुछ बता पाऊँ। और भी मैंने दोस्तों बहुत सारे गेमिंग ईयरबड की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ जो कम प्राइस में आता है, इस प्राइस में काफ़ी अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस लेके आता, तो उनसे अगर लिंक दे दूंगा वहाँ जाकर वॉच वगैरह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।